वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 2 एग्जाम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक और पेन या फिर पेंसिल लेके वीडियो को देखें और इसमें हर एक क्वेश्चन के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम या फिर टर्म 2 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है इनको बताया जा रहा है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके डिजाइन किए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे बेस्ड या फिर कह लीजिए कि सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग को अभी इसमें सभी चैप्टर जो कि चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 9 एंड स्टैटिक्स सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में मार्क कराने वाला हूँ एकदम एक्सरसाइज वाइज, यानी कि एक्सरसाइज के साथ हम लोग एक्सरसाइज नंबर के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग टिक करेंगे और इनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और बहुत जल्द आपको इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के उनके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इनको हमें काफ़ी अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है। बाकी जो भी आपके एनसीईआरटी बुक है उसके हर एक क्वेश्चन समझ लो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना ही करना है, लेकिन साथ में जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में 2-3 बार कहने का मतलब कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो आइए इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10, ये जो वीडियो है किसके लिए है, तो सीबीएसई क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th टर्म 2 एग्ज़ाम, ठीक है, टर्म 2 एग्ज़ाम मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो हम लोग का पहला चैप्टर है, यानी जब चैप्टर 4 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर 4 पहला चैप्टर है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको कितने एक्सरसाइज होते हैं, टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, देन है एक्सरसाइज 4.2, देन है एक्सरसाइज 4.3 और देन है एक्सरसाइज 4.4। ये टोटल 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो जो इन 4 एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग टिक करेंगे, यानी इनको हम लोग मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ये जो दो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि जो भी आपके सिलेबस हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हैं, एंड जो आपका रिड्यूस सिलेबस है जिन पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है उन वैसे कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं बताया जा रहा है, वही क्वेश्चन इसमें आपको टिक कराए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में जिनको रिड्यूस नहीं किया गया है। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2 का पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कौन कौन सा है। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 एंड एक्सरसाइज 4.2 में 2 का पार्ट 4 सॉरी एक्सरसाइज 4.23 में 2 का पार्ट 4, 3 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो एक्सरसाइज 4.3 में कौन कौन से हैं, तो 2 का पार्ट 4, 3 का पार्ट 1, 7, 8, 9 एंड 10 एंड एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चैप्टर 4 के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो एक्सरसाइज 4.1 में दोबारा हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में 2 का 1 एंड 3, 4.2 में 1 का 2, 1 का 3, 1 का 5 एंड 3, 4, 6, 4.3 में 2 का पार्ट 4, 3 का पार्ट 1, 7, 8, 9, 10 एंड एक्सरसाइज 4.4 में 1 का 2, 2 का 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देन हम लोग का जो अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका जो टर्म 2 एग्जाम में आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसके बारे में जानेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5। तो अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 5, चैप्टर 5 जो कि है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी चार एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3 एंड एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज वन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेकेंड, वन का फिर पार्ट फोर, ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नाइन, ध्यान से मार्क करें कौन कौन सा है। तो वन का पार्ट सेकेंड, वन का पार्ट फोर, फोर का पार्ट नाइन, देन आता है फोर का पार्ट ट्वेल्व, फोर का पार्ट ट्वेल्व एक्सरसाइज 5.1 का, फोर का पार्ट 15, फोर्थ का पार्ट 15 एंड फोर्थ का पार्ट 14 एंड 15। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेकेंड, वन का पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नाइन, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट 12, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट 14 एंड क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट 15। देन एक्सरसाइज 5.2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, सेवेंटी एंड ट्वेंटी, कौन कौन से हैं 5.2 में। तो टू का पार्ट सेकेंड, थ्री का पार्ट थर्ड, थ्री का पार्ट फाइव, फाइव का सेकेंड, सिक्स, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, सेवेंटीन एंड ट्वेंटी। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देन एक्सरसाइज 5.3, इसका है क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट एट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेन का पार्ट सेकेंड एंड इलेवन एंड फोर्टीन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 में कौन कौन से हैं, तो वन का पार्ट थ्री, टू का पार्ट थ्री, थ्री का पार्ट फोर, थ्री का पार्ट एट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेन का पार्ट सेकेंड, इलेवन एंड फोर्टीन। देन एक्सरसाइज 5.4, इसमें है क्वेश्चन नंबर वन, थ्री एंड फोर। साथ ही साथ जो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका क्वेश्चन नंबर का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप जाकर के वहाँ से भी चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग का जो अगला साइज है, सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मार्क करेंगे, सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगला चैप्टर है चैप्टर 9, जो कि है सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 एंड 16। देन अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 10 सर्किल, चैप्टर 10 सर्कल। तो चैप्टर 10 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको चैप्टर 10 में दो एक्सरसाइज मिलते हैं सर्किल में, और इसके थ्योरम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर 10 सर्किल। तो एक्सरसाइज है इसमें एक्सरसाइज नंबर 10.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13 एंड जो दो इसके थ्योरम्स दिए गए हैं, इसमें दो थ्योरम्स दिए गए हैं, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2, इनको भी हमें क्या करना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि इनके प्रूफ डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जो दो थ्योरम्स हैं थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2, इनको भी हमें सर्किल चैप्टर से पढ़ लेना है, क्योंकि इसके प्रूफ्स हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आता है जो हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
जिन दो अगला चैप्टर हम लोग का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें दो एक्सरसाइज दिए गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज 11.1 आप लोग का कैंसिल हो चुका है, तो 11.2 ही एक्सरसाइज हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7, इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे आ सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। देन इसके बाद से आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे। तो चैप्टर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इसमें दिया है, इसमें भी पांच एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 एंड 13.5। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में 4, 5, 8 एंड 9, एक्सरसाइज 13.2 में 3, 5, 7, 13.3 में 4, 6, 8 एंड 9 एंड 13.4 में कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जो आपका 13.4 एक्सरसाइज है इसको क्या किया गया है, तो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। 13.5 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, तो ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, 13.1 के 4, 5, 8 एंड 9, 13.2 के 3, 5, 7, 13.3 के 4, 6, 8, 9 एंड 13.5 के 2 एंड 4। देन आता है जो हम लोग का आखिरी चैप्टर है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे, देन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, जिनको हमें करना ही करना है। तो चैप्टर 14 स्टैटिक्स में हमें 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.2 एंड एक्सरसाइज 14.3। तो 14.1 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 8 इम्पॉर्टेंट है, 14.2 में 3, 4 एंड 6 इम्पॉर्टेंट रहेगा एंड 14.3 में 2, 3, 4 एंड 6। तो एक्सरसाइज 14.1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 5, 6 एंड 8, 14.2 में 3, 4, 6 एंड 14.3 में 2, 3, 4 एंड 6। तो ये आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के टर्म 2 एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को। थैंक यू।